The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, क्या आपको अच्छी नींद आती है? अगर नहीं आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। कैसे आप अपनी स्लीप हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, या अगर आपके नींद की आदत छूट रही है, चेंज हो रही है, आपके मे बी आपके जो वर्क टाइमिंग्स हैं वो अलग हो गए हैं, क्योंकि बचपन में जो हमने सीखा होता है सोने की टाइमिंग, स्लीप हैबिट्स, वो कई बार ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स चेंज होती रहती है, और कई बार हमारी हैबिट जो है बचपन की, वो हमारे काम के वजह से या हमारे लाइफस्टाइल के वजह से टूट जाती है और हमें हो जाता है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब है डिफिकल्टी फॉलिंग अस्लीप या फिर स्टेइंग अस्लीप, या तो नींद नहीं आना या नींद में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जल्दी नींद खुल जाती है। ज़्यादातर केसेस में इस प्रॉब्लम को, नींद की प्रॉब्लम को, कुछ सिंपल लाइफस्टाइल में चेंजेस करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, मगर कुछ समय लग सकता है आपकी जो स्लीप हैबिट्स आपके सालों से चली आ रही है वैसी ही अच्छी स्लीप हैबिट को डेवलप करने के लिए। सबसे पहले जान लेते हैं आपको नींद कितनी चाहिए, हाउ मच स्लीप इज एक्चुअली इनफ। सो जो लोग इंसोम्निया या नींद के प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं वो नॉर्मली जितनी चाहिए इनफ स्लीप नहीं ले पाते, राइट? जितना वो कोशिश करते हैं उतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उतना अपसेट हो जाते हैं, और उतना मुश्किल हो जाता है नींद आना। 7 से 8 घंटे की नींद रिकमेंडेड होती है ज़्यादातर लोगों के लिए, और बच्चों में जो टीनेजर्स हैं उनमें कई बार 8-10 घंटे की नींद ज़रूरी हो जाती है, और जो छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं 10 से 12, 10 घंटे की नींद, 11 घंटे की नींद, और जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें 12 या 14 घंटे की नींद देने, एक छोटे एकदम दूध पीते बच्चों के लिए और ज़्यादा नींद की ज़रूरत पड़ जाती है, कायदे से रिकमेंडेड होती है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, ओल्डर पीपल, वो रात को कम सोते हैं लेकिन फिर भी पूरे दिन 24 घंटे में मिला के नैप्स ले लेके बीच बीच में सो सो के, उन्हें भी अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 घंटे की नींद अच्छी चाहिए होती है, और क्वालिटी ऑफ स्लीप भी ज़रूरी होती है, ना सिर्फ क्वांटिटी कि कितना सोए, उससे ज़्यादा कितने अच्छे से सोए वो भी बहुत ज़रूरी होती है ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट मिले। तो अगर आपको नहीं मिल पा रही इतनी नींद तो क्या करो, सबसे पहले चेंज, क्या क्या चेंज करना है, चेंज योर लाइफस्टाइल। बिफोर गोइंग टू बेड, नींद के लिए जाने से पहले, बिस्तर पे जाने से पहले, पहले कोई ऐसी चीज़ है जो दिमाग में आपको तंग कर रही है, कोई ऐसी वरी, कोई चिंता चल रही है दिमाग में, तो उस चिंता को एक पेपर पे लिख लो। इस तरह से कई बार आप जब पेपर को छोड़ देते हो, एक जगह पर रख देते हो, तो कई बार अपनी चिंताओं को भी रख देते हो और रात भर सोचते नहीं रहते। ये बहुत अच्छे से काम करता है, ये करके देखिए। दूसरा, पूरे दिन में आपने क्या करना है, पूरे दिन में आपने एक्टिव ज़्यादा रहना है, एक्सरसाइज करनी है कम से कम 1/2 घंटा, ठीक है, और अच्छी एक्सरसाइज, अपने बॉडी को थोड़ा सा चैलेंज करिए। बीच बीच में दिन में नैप्स मत लीजिए, कई बार ऐसा होता है दिन में सो गए तो रात को नींद नहीं आ रही, सो बीच में दिन में नैप मत लो रात को अच्छे से सोने के लिए। और अगर आप स्मोकिंग, अल्कोहल या कैफीन बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसे थोड़ा कट करिए, उसे थोड़ा कम करिए, कैफीन कम करिए, अल्कोहल कम करिए, स्मोकिंग बंद करिए। कोई प्रकार की दवा जैसे डाइट पिल्स, कोई ऐसी हर्बल पिल या कोई ऐसा सप्लीमेंट ले रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैफीन है, कोई प्रोथायरॉयड मेडिकेशन है, तो ऐसी चीज़ों से नींद कम हो जाती है, मेटाबॉलिज्म बढ़ने के चक्करों में थर्मोजेनिक चीज़ों से नींद कम हो जाती है, ऐसे में उसको या तो बंद कर दें या अपने डॉक्टर से बात करें। स्ट्रेस अगर आपको है तो कोई रिलैक्सेशन टेक्निक्स, म्यूजिक, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज ट्राई करें। आपकी बॉडी को समझें, आपकी बॉडी बताती है कि आपको रेस्ट चाहिए, आपको एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपकी बॉडी थकी है, बीमार है, लिसन टू योर बॉडी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आपका बेड जो है वो नींद के लिए है, ऐसा उसको अडेप्टेशन दीजिए, ये नहीं कि पूरा दिन बिस्तर पे बैठे हैं, टीवी भी बिस्तर पे, मूवीज भी बिस्तर पे, खाना भी बिस्तर पे, सो अपनी बॉडी को कोशिश करिए कि बिस्तर पे जाके सिर्फ सो रहे हैं, ठीक है, ताकि उसे एक आदत हो जाए कि बिस्तर पे गए हैं तो सोना है, ठीक है। उसके अलावा कोशिश करो एक स्लीप रूटीन बनाने की, यानी चाहे दिन में सो रहे हो चाहे रात में सो रहे हो, एक ही टाइम पे सोने की कोशिश करो, एक ही टाइम पे उठने की कोशिश करो, अराउंड द सेम टाइम, ठीक है। और कैफीन और अल्कोहल वाली
कोई भी बेवरेज, कोई भी दारू या बहुत ज्यादा कैफीन, चाय कॉफी या सोडा, इस प्रकार का जो कैफीनेटेड सोडाज हैं, शाम के वक्त नहीं लेना है, वरना 6 घंटे तक कई बार स्लीप अफेक्टेड रहती है, नींद नहीं आती। तो उसके अलावा नींद से, नींद पे जाने से पहले 2 घंटे पहले अच्छा खाना खाओ, अच्छा बढ़िया हैवी मील, इससे क्या होता है नींद आती है। और रिलैक्सिंग एक्टिविटी करके देखो नींद से पहले, या तो कोई बात ले लीजिए, टीवी या कोई ऐसे प्रकार की एक्साइटिंग चीज नहीं देखना, टीवी कंप्यूटर मोबाइल बंद करके रख दो। और कोई भी एक नींद से जाने से पहले अवॉइड इंक्रीजिंग योर हार्ट रेट, ऐसा नहीं कि नींद से जाने से पहले जाके दौड़ लगा के आ गए ना, यू कैन डू अ लिटिल वॉक, दैट इज ओके राइट। और मेक श्योर कि आप जहाँ सो रहे हैं वहाँ शांति हो, टेम्परेचर थोड़ा कामिंग हो, ठंडा नहीं, बहुत चिल्ड नहीं, बहुत बहुत गर्म नहीं, आपको सूदिंग टेम्परेचर हो, डार्कनेस हो, ऐसा नहीं कि लाइट ही लाइट जल रही है। और अगर आप आधे घंटे तक नहीं सो पा रहे राइट, तो आप उठ जाओ और कोई और रूम में चले जाओ, कोई ऐसी क्वाइट एक्टिविटी करो, कोई ऐसी एक्टिविटी करिए जैसे रीडिंग हो गया या कोई ऐसी चीज जिससे आपको तब तक आपको नींद आ जाए, ये ट्राई करके देखो ठीक है, इससे आपको नींद आ जाएगी। अगर आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, सैड फील कर रहे हैं, कोई दर्द है, उन चीज़ों की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, तो अपने डॉक्टर से बात करो। अगर आप कोई दवा ले रहे हो जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही है, तो अपने डॉक्टर से बात करो। याद रखिए नींद की प्रॉब्लम छोटी नहीं होती, नींद से आपकी इम्यून सिस्टम भी कम हो जाती है और लिटरली स्ट्रेस लेवल्स बढ़ जाते हैं, शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, बीपी बढ़ जाता है। सो नींद एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है जो आपको चाहिए। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स, इस वीडियो को शेयर करें, लोग देखें और अपनी नींद की प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो दिस इज डॉक्टर परमजीत, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।